देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष। हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रांत की कोर कमेटी की बैठक बद्दी के आईबीएन हर्बल्स के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के हर जिले से लगभग 3 दर्जन पत्रकार सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ इस कोर कमेटी की बैठक में पत्रकारों से जुड़ी समस्याओं, जिसमें उपमंडल स्तर पर पत्रकारों को मान्यता, पत्रकारों की सुरक्षा संबंधी विधेयक, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश की तर्ज पर पेंशन लागू करने जैसे विषयों पर समीक्षा की गई। साथ ही एचपीयूजे के कोर कमेटी की बैठक को हर माह करने का निर्णय भी लिया गया, जो हर जिले में आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य विषय, जिसमें एनयूजे इंडिया की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अगर बद्दी में होती है तो हिमाचल के लिए गौरव की बात होगी, इसके लिए सदन ने भी अपनी स्वीकृति जताई। इस बैठक में पत्रकारों की समस्याओं पर मंथन करते हुए सभी सदस्यों ने सरकार से शीघ्र ही पत्रकार कल्याण बोर्ड को गठन करने की मांग की, ताकि समय समय पर पत्रकारिता से संबंधित समस्याओं पर विचार करके उनके निदान की नीति बनाई जा सके। आज बद्दी में हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो एनयूजे इंडिया से संबंध की एकमात्र इकाई है, की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक थी आज, उसमें करीब 3 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं विभिन्न जिलों से पहुंचे, कई जिलाध्यक्ष भी पहुंचे हैं। तो बैठक में कई अहम निर्णय हुए हैं। एक, सबसे पहले जो 16 नवंबर को हमारा राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ था, उस मुद्दों का रिव्यू किया गया कि हमने वहाँ जो प्रस्ताव पारित करे थे उन पे क्या क्या उनकी जो लड़ाई है कहाँ तक जो है पहुँची है। दूसरा, आज का जो हमारा मुद्दा रहा है कि उसमें हर महीने, क्योंकि पत्रकार संगठन अब हमारे जो सक्रिय हुए हैं, हर महीने हमारी एचपीयूजे की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुआ करेगी। आज बद्दी से उसकी जो है शुरुआत हुई है, अगली बैठक जो है हमारी जिला ऊना में होगी। 12 जिले हैं तो हर जिले में एक एक हर महीने बैठक हुआ करेगी। आज की बैठक में जो मुख्य मुद्दा आया है कि सरकार को जो पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन की हमारी जो मांग, जो सबसे प्रमुख हमारी आई है कि पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार एक बोर्ड का गठन करे, जिसमें 3 महीने में 6 महीने में बैठक हो और मीडिया से जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं और पत्रकार जो है संगठन और हमारे जो वरिष्ठ पुराने पत्रकार हैं प्रदेश के कहीं के भी हो, वो उसमें बात रखे कि पत्रकारों के लिए ये पॉलिसी जो है सरकार लागू करे। जहाँ तक पेंशन संबंधी मुद्दा था, उसमें हमारा आज फिर उसमें जो रिव्यू हुआ है कि जो ये बजट सत्र है आने वाला, हम आशा करेंगे सरकार से कि उसमें जो है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल की तर्ज पे पेंशन जो है घोषणा हो जाए फरवरी मार्च में जो भी बजट आएगा। अगर उसमें नहीं होता तो अगली रणनीति पर हम मार्च के बाद उसको आगे जो है आगे बढ़ाएंगे। बाकी कई पुराने मुद्दे थे और इसमें और मैं बताना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय इकाई के जो हमारे चुनाव होने हैं, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि 10 जिलों में हमारा संगठन बन चुका है, तो बाकी जिलों को पूरा करेंगे और सदस्यता अभियान को जो है और ज़्यादा तेज किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हमें जो दिल्ली कार्यालय से आई है, कुछ ये चली हुई थी चर्चाएं, इधर है एक दो संगठन है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रज्ञानंद चौधरी, शिव कुमार अग्रवाल जी, उनकी अप्रोच आई थी कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है एनयूजे इंडिया की, उसमें काफी कुछ विराम लग जाएगा। उसको हमने जो हाउस ने ध्वनि मत से पारित कर लिया कि अगर वो करते हैं तो उसका हम हृदय से स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया जो है वो बैठक होगी, क्योंकि हिमाचल जो हमारा छोटा राज्य है, बेशक है साक्षरता में बहुत ज्यादा आगे है, पत्रकारों का एक महाकुंभ अगर हो तो हमारे लिए ये गौरव की बात है। और हमें उन्होंने होस्ट बनाने का जो आवेदन दिया है या आग्रह किया है, उसमें हमें यह है कि यहाँ से हुंकार जाएगी तो हिमाचल का नाम भी बहुत ज़्यादा, जैसे इन्वेस्टर मीट हुई है, हजारों लोग उसको देखने धर्मशाला पहुँचे, तो हम चाहेंगे कि पूरे भारत के पत्रकार, वो आज तक कभी हिमाचल नहीं आए हैं कि हमारी कैसी जन्मभूमि कर्मभूमि कैसी है, कैसे यहाँ लोग हैं, रहन सहन कैसा है। तो हम चाहेंगे, हमने आज स्वीकृति दे दी है हमारी कोर कमेटी ने, कि अगर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी है तो उसको बद्दी में जो बड़े स्तर पे भव्य स्तर पे जो है आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एचपीयूजे के प्रदेशाध्यक्ष रणेश राणा ने बताया कि अभी 10 जिलों में सदस्यता विस्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय इकाई के चुनाव होने से पूर्व सभी जिलों की सदस्यता को पूरा कर लिया जाएगा
और नए सदस्यों को जोड़कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा ताकि पत्रकारों से जुड़ी हर समस्या को संगठित रूप से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके उसका शीघ्र ही निराकरण किया जा सके। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।